हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिड के तीसरे यूज के बारे में, और वो क्या है आइए समझते हैं। सब्जेक्ट डिड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहां डिड के बाद नॉट भी नहीं है और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगा हुआ है। ये पास्ट सिंपल तो है लेकिन थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन बदलती है। कैसे? ताती ते आकर तो आकर थाती थे आए। जैसे वह बाजार जाता तो था, वह मुझसे बात करता तो था, वह यहां आता तो था। तो ताती ते आकर तो आकर, अगर थाती ते इस तरह के वर्ड आते हैं तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह फैन रिपेयर करता तो था, मैं उसको मोटिवेट करता तो था, वह मेरी बात मानता तो था, वह पैसे खर्च करता तो था, वह बोर्ड पर लिखता तो था। तो इस तरह अगर ताती ते आकर तो आकर थाती ते सेंटेंसेस आएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। इसे भी इंफेटिव सेंटेंस बोला जाता है, इंफेटिक सेंटेंस है ना, जिसमें हम लोग सामने वाले को दबाव देकर बात करना चाहते हैं। वह बाजार जाता तो था, सो he did go to market, मैं उससे बात करता तो था, I did talk to him, वह यहां आता तो था, he did come here, मैं मार्केट जाता तो था, I did go to market, मैं उसे मोटिवेट करता तो था, so I did motivate him, वह मुझे सुनता तो था, so he did listen me, वह सुबह जल्दी उठता तो था, so he did wake up early in the morning, मोहन रोज एक्सरसाइज करता तो था, मोहन did exercise daily, मैं बगीचे से फूल तोड़ता तो था, so I did pluck flower from the garden, वह जॉब ढूंढता तो था, so he did find job, जैसे इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर करता तो था, so electrician did repair fan, मैं उसे मैसेज भेजता तो था, so I did send him message, वह रिप्लाई करता तो था, so he did reply, मैं मैसेज फॉरवर्ड करता तो था, so I did forward message, मैं लेटर लिखता तो था, so I did write a letter, मम्मी पानी भरती तो थी, मदर डिड फील वॉटर, मैं रोजाना 10 ग्लास पानी पीता तो था, आई डिड ड्रिंक 10 ग्लास वॉटर एवरी डे, वह रोजाना फल फ्रूट खाता तो था, सो ही डिड ईट या ही डिड टेक फ्रूट्स एवरी डे, मेरे पापा मुझे सलाह देते तो थे, माई फादर डिड एडवाइज मी, मैं मेरे पापा से सलाह लेता तो था, सो आई डिड टेक एडवाइस from my father, जैसे वह मुझे गालियां देता तो था, he did abuse me, मैं उसको torture करता तो था, so I did torture him, तो इस तरह के sentences बनते हैं। आइए थोड़े से translation के माध्यम से सीखते हैं। मैं मेहनत करता तो था, so मैं मेहनत करता तो था, so I did work hard, I did work hard, मैं मेहनत करता तो था, हम पढ़ाई करते तो थे, so we did study, हम पढ़ाई करते तो थे, वे मुझे पीटते तो थे, सो दे डिड बीट मी। अब यहां पर कोई डिड मेन वर्ब नहीं है, है ना, यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही है। मैं उन्हें समझाता तो था, सो आई डिड एक्सप्लेन उन्हें तो देम, सो आई डिड एक्सप्लेन देम। रोहन टीवी देखता तो था, सो रोहन डिड वॉच टीवी, सो रोहन टीवी देखता तो था। मम्मी खाना बनाती तो थी, सो मम्मी डिड कुक फूड, सो मम्मी डिड कुक फूड। वह वाक्य बनाता तो था, सो ही डिड मेक सेंटेंस, ही डिड मेक सेंटेंस। मैं उसे मनाता तो था, मनाना मीन्स कन्विंस करना, सो आई डिड कन्विंस हिम, और अगर रूठे हुए को मनाना है तो परसुएड, सो आई डिड कन्विंस हिम, मैं उसे मनाता तो था। वे गाना गाते तो थे, सो दे डिड सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाते तो थे। मैं वीडियोस बनाता तो था, सो आई डिड मेक वीडियोस, मैं वीडियोस बनाता तो था, ठीक है। रोहन मुझसे बात करता तो था, रोहन डिड टॉक टू मी, रोहन मुझसे बात करता तो था। रीता टीवी देखती तो थी, सो रीता डिड
रीता डिड वॉच टीवी, रीता टीवी देखती तो थी, सो रीता डिड वॉच टीवी। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की डिड के तीसरे यूज को। ये भी पास्ट सिंपल टेंस ही है, लेकिन सेंटेंसेस को बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। गाइज उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से डिड का जो मैं तीसरा यूज आप लोगों को समझा रहा था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन सेंटेंसेस को देखकर समझकर आप और ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।